रिज्यूमे दैट गॉट मी टू एक्सेंचर। गाइस थोड़े दिन पहले मैं अपना लैपटॉप क्लीन कर रहा था, उसके अंदर मुझे मिलता है मेरा 2 साल पुराना रिज्यूमे। सबसे पहले मैंने वो रिज्यूमे खोला और पहले तो मैं हंसा कि भाई ये क्या बना रखा है भाई हरमन, क्या है ये रिज्यूमे। तो इस वीडियो में आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है क्योंकि मैं आपको अपना पूरा रिज्यूमे दिखाऊंगा। आपको ये पता चलेगा कि जब मैं कॉलेज में था तो मैंने क्या क्या गलतियां करी थी अपने रिज्यूमे में, और मैं ये भी बताऊंगा कि उनको कैसे ठीक करना है। तो आई होप आप सब रेडी हो, मैं भी बहुत ज्यादा रेडी और एक्साइटेड हूँ। मैंने रिज्यूमे खोल लिया अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि मैंने क्या रिज्यूमे बनाया था। सबसे पहले तो अभी काफी पार्ट इसका ब्लर्ड होगा ताकि आप पढ़ने ना लग जाओ, मैं ही आपको एक एक चीज पढ़ाऊंगा। सबसे पहले आप पहले रिज्यूमे को देखो, ठीक है। ये जो रिज्यूमे है ये हमारा काफी सिंपल सा लग रहा होगा। आप कह रहे होगे यार भैया ये कैसा सा रिज्यूमे है, इतना सिंपल रिज्यूमे कौन बनाता है। तो यार हमारा जो कॉलेज था IEEE दिल्ली से पास आउट था, तो हमें यही फॉर्मेट यूज करने को बोला था कि इसी फॉर्मेट में रिज्यूमे बनाना है। तो आपके कॉलेज का भी शायद ऐसा कुछ हो सकता है तो वो आपको फॉलो करना है। लेकिन इस टाइम पे मार्केट पे इतने सारे टूल्स हैं, मैं किसी को प्रमोट नहीं करने वाला, कुछ स्पॉन्सर्ड नहीं है, इतने सारे टूल्स हैं जहाँ आप एक बार गूगल पे जाओगे आपको इतने सारे रिज्यूमे मेकर मिल जाएंगे, लेकिन जो बेसिक्स है ना वो हमेशा सेम रहेंगे। और इस वीडियो में मैं आपको बेसिक्स बताने वाला हूँ, ठीक है। रिक्रूटर को शायद इतना फर्क नहीं पड़ेगा कि क्या डिजाइन आपने यूज किया है, हाँ वो इम्प्रेस जरूर हो जाएगा, लेकिन क्या कंटेंट डालना है ना, आज हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो भाई रिज्यूमे आप कहीं से भी बना सकते हो, बस इस वीडियो के सारे आप कॉपी भी कर सकते हो मेरा रिज्यूमे जहां पे आपको अच्छा लग रहा है। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे आपको सही चीजें डालनी है, ठीक है। ऐसे ही बड़ा नहीं करना रिज्यूमे को या कहीं पे कुछ ग्रामेटिकल मिस्टेक्स है क्या है, वो सारी चीज़ें कवर करते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं बेसिक डिटेल्स पे, बेसिक इन्फो पे। तो यहाँ पे आप देख रहे हो मैंने अपना नाम हरमन लिखा हुआ है, साइड में IEEE का लोगो है, यहाँ पे मैंने अपनी एक फोटो लगा रखी है, नीचे मेरा ईमेल, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस वगैरह वगैरह जैसी बेसिक इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पे डाल रखी है। लेकिन मैं आप सबको रिकमेंड करूँगा कि अगर आप एक कोडर हो तो आप अपनी गिटहब का लिंक डाल सकते हो, तभी डालना अगर गिटहब पे काम करा है, ठीक है। अगर आप कोई कोड शेफ जैसे कोर्सेज पे कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग करते हो, चाहे वो कोई भी आपका प्लेटफॉर्म हो सकता है, वो वाला लिंक आप यहाँ पे डालो। खुद को शोकेस करना जरूरी है, ठीक है। कहीं फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट में भी अगर अप्लाई कर रहे हो तो अपना पोर्टफोलियो का लिंक डालो। और एक बात मैं बता रहा हूँ, ईमेल प्रोफेशनल रखना, ठीक है। ऐसा ईमेल नहीं होना चाहिए एंजल प्रिया टाइप पता नहीं क्या क्या, ऐसा ईमेल नहीं होना चाहिए। तो ये बेसिक था बहुत ज़्यादा। अब हम आते हैं एजुकेशन पे। एजुकेशन भी बहुत बेसिक है, यहाँ पे मैंने डाल रखा है इंद्रप्रस्थ इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैं यहीं से पास आउट हुआ हूँ, कंप्यूटर साइंस एंड डिजाइन मेरी ब्रांच थी। अपना बैच के बारे में लिखो, यहाँ पे अपने मार्क्स वगैरह भी लिखने हैं, लिख दो। इस वीडियो के लिए मैंने मार्क्स वगैरह हटा दिए थे, ठीक है। हाँ तो भाई मेरी एक्चुअली कॉलेज की CGPA कम थी तो मैंने हटा दी, बट चलो तुम लोगों से क्या छुपाना, मेरी CGPA थी 6.9, ठीक है। तो अपनी CGPA यहाँ पे लिखो, नीचे जैसे कि तुम देख रहे हो मैंने अपने स्कूल का नाम लिखा हुआ है, KV वाले, मैं KV से था, केंद्रीय विद्यालय, KV वाले नीचे कॉमेंट करो भाई, मैं केंद्रीय विद्यालय से था दिल्ली में। तो मैंने अपनी 10th 12th वहीं से करी, अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन डाल देना। अब हम आगे आते हैं। आजकल मार्केट में क्लाउड स्किल्स की बहुत डिमांड है, टॉप कंपनीज लाइक AWS, गूगल क्लाउड, Azure आर एक्टिवली हायरिंग इन द फील्ड ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, ब्लॉकचेन, DevOps, मशीन लर्निंग एक्सेट्रा। अगर तुम इन कंपनीज के साथ काम करना चाहते हो और क्लाउड कंप्यूटिंग में अपना फ्यूचर बनाना चाहते हो तो आपके लिए माइग्रेशन एक बहुत अच्छा टॉपिक है स्टार्ट करने में। पर ये माइग्रेशन होता क्या है, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन अपने डेटा एंड IT रिसोर्सेज को फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर से क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म्स में शिफ्ट करना चाहते हैं, इसको ये हम माइग्रेशन कहते हैं। अब इसे सीखने के लिए एक बहुत अच्छा रिसोर्स बताता हूं जो है AWS स्किल बिल्डर। AWS ने इंडिया में 2017 से अब तक 4 मिलियन लोगों को अपस्किल करा है, एंड इट हैज आल्सो हेल्प्ड 100 ऑफ एंटरप्राइज कस्टमर्स टू मूव टू क्लाउड, एंड देयर कोर्स ऑन स्ट्रेटजीज एंड टूल्स टू परफॉर्म लार्ज स्केल माइग्रेशंस गिव्स यू अ वेरी गुड स्टार्ट फॉर एनी बिगिनर टू स्टार्ट देयर करियर इन क्लाउड स्किल्स। इस कोर्स में यू विल लर्न अबाउट AWS के स्टेप बाय स्टेप माइग्रेशन प्रोसेस के बारे में विद प्रूवन स्ट्रेटजीज एंड टेक्निक्स। ट्रेनर ने काफी डिटेल में बात करी है की रिक्वायरमेंट्स फॉर माइग्रेशन प्लानिंग प्रोसेस एंड स्टेजेस ऑफ एडॉप्शन के बारे में। यूजफुल टूल्स लाइक माइग्रेशन रेडीनेस असेसमेंट टूल, माइग्रेशन रेडीनेस प्लानिंग टूल बाय AWS को भी डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। अकॉर्डिंग टू अ फर्म्स एक्सपर्टीज एंड मैच्योरिटी लेवल, वेदर दे वर्क ऑन SAP और इन Oracle डेटाबेस, उस फर्म को माइग्रेशन में हेल्प करने के लिए पूरा प्रोसीजर ट्रेनर ने अच्छे से बताया, दैट टू इन जस्ट 1 आवर ऑफ लर्निंग। एंड AWS के सर्टिफिकेट्स की काफी वैल्यू होती है मार्केट में, दे प्रोवाइड वेरी अप टू डेट एंड क्रेडिबल नॉलेज जो तुम्हें जॉब अपॉर्चुनिटीज में भी हेल्प करता है। 4 lakh plus people held AWS certifications as of August 2020 with an increase of 85% registrations from 2019. तो जाओ check out करो ये course, link मैंने description में दे दिया है। तो expertise area के अंदर मैंने यहाँ पे DSA डाला है, programming डाला है, development डाला है, design, video editing, googling एक बहुत basic, ये पता है लोग impress हो गए होंगे पढ़ के कि भाई इसका एक skill है google करना, क्योंकि मुझे मेरी life में कहीं भी problem आती है मैं google करता हूँ। तो मैंने एक्सपर्टीज एरिया में गूगलिंग भी लिखा है, खैर मैंने प्रोग्रामिंग भी लिखा है, डिजाइन भी लिखा है, क्योंकि मेरी ब्रांच थी कंप्यूटर साइंस एंड डिजाइन, तो मेरे को प्रोग्रामिंग और डिजाइन दोनों में एक्सपीरियंस था।
तो मैंने वो लिखा है वीडियो एडिटिंग, क्योंकि मैं यूट्यूब वीडियोस बनाता था। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में मैंने जावा पाइथन लिख रखा है। टूल्स के अंदर मैंने काफी अच्छे अच्छे टूल्स यूज करे थे थैंक्स टू माय कॉलेज। मैंने अनरियल इंजन जिसमें गेम्स बनते हैं वो भी चलाया था, एंड्रॉइड स्टूडियो, प्रीमियर प्रो वीडियो एडिट्स करने के लिए, आफ्टर इफेक्ट भी हम मैंने सीखा भी था, फाइनल कट प्रो और बाकी हमारे एडोबे इलस्ट्रेटर, फिग्मा, गिटहब, वीएस कोड, इंटेलीजे, ये सब तो पता ही है, ठीक है, गिट हो गया, आर्डियूनो हो गया, आर्डियूनो भी मैंने चलाना सीखा था। तो ये टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज काफ़ी सारी मैंने सीखी थी, वो मैंने डाल दी। टेक्निकल एंड डिज़ाइन इलेक्टिव्स के अंदर बेसिकली वो वाले सब्जेक्ट्स डाल दो जो आपको पसंद है। तो मेरे को DSA पसंद था, मेरे को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पसंद था, DBMS, बाकी मैंने डिज़ाइन के कोर्सेज कर रखे थे, डिज़ाइन प्रोसेस, विजुअल डिज़ाइन, कम्युनिकेशन, ठीक है, गेम डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट मैंने करा था। काफ़ी सारे मैंने कोर्सेज जो मेरे को पसंद आए थे ना मेरे बीटेक के, वो सारे मैंने यहाँ पे लिख दिए थे, ठीक है। तो ये तो आपका पर्सनलाइज्ड है, आपने जो जो करा है आप यहाँ पे डालो, लेकिन ऐसी भी कोई स्किल मत डालना जो जिसका कुछ काम धंधा नहीं है, ठीक है। ये वाला पार्ट भी मेरे रिज्यूमे का बढ़िया है। अभी मैं अपने एक साल के एक्सपीरियंस से आपको प्रो टिप दे देता हूँ कि स्किल्स में आपको क्या क्या लिखना होता है। लेट सपोज एक कंपनी आती है जिसका नाम है गूगल, और वो आपको जावा डेवलपर के लिए हायर कर रही है। मुझे नहीं पता कि वहाँ पे ऐसा कोई रोल होता है नहीं, लेट सपोज ऐसा कुछ है, तो आपके रिज्यूमे में स्किल्स में जावा एंड जावा से रिलेटेड जो भी चीज़ें आपने पढ़ी है, आपने कोई प्रोजेक्ट बनाया, कुछ भी, वो आपके रिज्यूमे में होना ज़रूरी है। तो मतलब आपको जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ना है जहाँ पे आप अप्लाई कर रहे हो, और उनका जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ो कि उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, और उनकी रिक्वायरमेंट से कीवर्ड्स निकालो और स्किल्स के अंदर डाल दो, ठीक है। अभी के लिए मैं इतना ही बता रहा हूँ, आगे वीडियो को देखते रहो, मैं आगे भी बताता हूँ। अब नेक्स्ट चीज़ हम करते हैं इंटर्नशिप, ठीक है। मेरे केस में ये रेज्यूमे जो है ये मैंने एक्सेंचर को दिया था, जो कि एक नॉन टेक प्रोफाइल के लिए आई थी, ठीक है। तो मैंने इसके अंदर मिक्स ऑफ टेक्नोलॉजी, क्योंकि एक्सेंचर इज अ टेक्नोलॉजी कंसल्टिंग फर्म, तो टेक्नोलॉजी भी उनकी नीड थी, प्लस उनको कम्युनिकेशन स्किल्स भी चाहिए था, ठीक है। तो मैंने इसके अंदर एक मिक्स ऑफ डाला है, लेकिन अगर कोई टेक कंपनी के लिए आ रहा है तो यहाँ इंटर्नशिप वाले सेक्शन में आपको सिर्फ टेक्निकल इंटर्नशिप्स ही डालनी होगी। तो जैसे कि मेरे केस में आई वॉज वर्किंग एज अ कॉन्टेंट क्रिएटर एट अन अकेडमी, तो वो एक बड़ी बढ़िया सी नॉन टेक स्किल है, जिसके अंदर शायद मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स होने पता चली कि शायद अच्छा कम्युनिकेटर होगा, इसलिए कॉन्टेंट क्रिएटर की तरह काम कर रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है वर्क एज अ कॉन्टेंट क्रिएटर एट यूट्यूब चैनल, ठीक है, ओन्ड बाय अन अकेडमी, ये तुम पढ़ सकते हो। एंड यहाँ पे देखो कि एक बढ़िया चीज़ बताता हूँ, यहाँ पे मैंने नंबर देखे हैं, दैट आई मेड 30 वीडियोज एंड रीच आउट टू ओवर 500 की स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि आपको अपने रिज्यूमे के अंदर नंबर्स जरूर से इंक्लूड करने हैं, जिससे एक इम्पैक्ट पड़े कि लोग पढ़ें कि भाई 500 के स्टूडेंट तक ये पहुँचा था, ठीक है, ऐसी चीज़ें करो। तो मैंने यहाँ पे दो इंटर्नशिप डाली, एक मेरी और थी दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की, ठीक है, ये भी मैंने किया था। अब यहाँ पे एक चीज़ आप नोटिस करोगे कि आपके केस में इंटर्नशिप्स अलग हो सकती है, शायद आपने कहीं पे एंड्रॉइड डेवलपमेंट करी हो, जावा डेवलपमेंट करी हो, किसी स्टार्टअप के लिए करी हो, वो सब आप डालो, वो डिपेंड करेगा। लेकिन आप देख रहे हो यहाँ पे यार ग्रामर इतनी अच्छी नहीं लग रही होगी, ठीक है, यहाँ पे दोनों में देख रहे हो काफ़ी सिंपल इंग्लिश, इतनी बेसिक सी इंग्लिश है। इस टाइम पे ChatGPT नहीं होता था, यहीं से मैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे आता हूँ कि जो भी आप नया आप रेज्यूमे बना रहे हो ना, उसके अंदर ग्रामेटिकल मिस्टेक्स बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं भाई, एक्सेप्टेबल ही नहीं है। इवन जो सेंटेंस क्वालिटी, सेंटेंस फॉर्मेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। ये बहुत ही बेसिक सेंटेंस फॉर्मेशन है। आप कहोगे यार भैया हमें तो आता नहीं, हमें तो ऐसा ही आता है, तो मैं बताता हूँ क्या करना है। जो भी पहले आपने लिखा है उसको कॉपी करो, उसको ChatGPT पे जाओ, ChatGPT में पेस्ट कर दो। ChatGPT में पेस्ट करने के बाद एंटर दबाओ, नेक्स्ट लाइन में आके लिख दो कि प्लीज इंप्रूव दिस पैराग्राफ अंडर 100 वर्ड्स। अब आप वहाँ पे लिमिट भी डाल सकते हो, प्लीज इंप्रूव इट ग्रामेटिकली, जो भी आपका मन है आप वहाँ पे प्रॉम्प्ट डालो, और आपको इतना प्यारा सा एक पूरा वो मिल जाने वाला है, ठीक है, एक पूरा पैराग्राफ मिल जाएगा। और मैं आपको ये भी सजेस्ट करूंगा कि आप तो ChatGPT को ये भी बोल सकते हो कि इसको पॉइंट्स में लिख के दो, और मेरा एक पॉइंट ये भी है कि आपको पॉइंटर्स बनाने हैं। मैंने यहाँ पे पॉइंटर्स नहीं बनाए कि व्हाट आई एक्चुअली लर्न फ्रॉम दिस इंटर्नशिप, तो मैं इसे पॉइंटर में लिखूंगा तो पढ़ना आसान होगा, रीडेबिलिटी आसान होगी। तो इंटर्नशिप्स आपके ऊपर डिपेंड करती है, आपने मेरा देख लिया। एक चीज़ और बोलना चाहूँगा वर्क एक्सपीरियंस एंड इंटर्नशिप्स के लिए, अगर आपके पास कोई भी इंटर्नशिप नहीं है मैं आपको सजेस्ट करूँगा कर लो, स्टार्टअप्स में कर लो, कहीं पे भी कर लो, क्योंकि अगर खाली रखोगे ना वर्क एक्सपीरियंस और इंटर्नशिप वाला सेक्शन तो वहाँ पे थोड़ा इम्पैक्ट पड़ता है, मानो या ना मानो। एक रिक्रूटर देखेगा कि इस बंदे को स्किल है, इसके पास भी स्किल है, लेकिन इसने काम किया हुआ है, ठीक है, इसे पता है वर्क कल्चर कैसा होता है, इसे पता है कम्युनिकेट कैसे करना है, इसे पता है टीम स्ट्रक्चर क्या होता होगा एक ऑर्गेनाइजेशन का, तो बहुत फर्क पड़ता है। तो इंटर्नशिप कर लेना। नेक्स्ट हम आ जाते हैं हमारे प्रोजेक्ट्स पे। तो यहाँ पे जैसे कि तुम देख रहे हो मैंने काफ़ी स्ट्रेटेजिकली अपने डिज़ाइन, अपने टेक के प्रोजेक्ट्स हैं उनको डाला था, ठीक है। यहाँ पे भी अगेन थैंक्स टू माय कॉलेज, ये सारे के सारे प्रोजेक्ट्स मेरे को कॉलेज में कराए गए थे। लेकिन अगर आप कुछ भी सीख रहे हो ना, मैं आपको एक चीज़ रिकमेंड करूँगा कि भाई प्रोजेक्ट ज़रूर से बनाओ। नेट से भी उठा रहे हो ना, मैं यहाँ पे बोलूँगा नेट से भी उठा रहे हो ना, तो पता होना चाहिए वो कैसे बना है,
जो स्किल्स तुमने सीखी है कुछ वैसा ही उठा लो, नेट से भी उठाना कोई बुरी बात नहीं है, सब लोग उठाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये सारे प्रोजेक्ट्स मैंने खुद करे थे मेरे कॉलेज में, इसमें टीम्स भी थी मेरी, तो ऐसा नहीं है कि पूरा पूरा मैंने खुद बनाया, टीम में मिलके बनाया। तो जैसे कि यहाँ पे है बजाओ म्यूजिक स्ट्रीमिंग ऐप, इसके अंदर ऊप्स वगैरह तो ऑब्वियसली यूज़ हुआ ही था जावा के अंदर, एंड इसके साथ साथ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो DBMS सब्जेक्ट है ना वो भी इसमें यूज़ किया था पूरा का पूरा। एंड जैसे कि मैंने बताया सेंटेंस फॉर्मेशन इतना अच्छा नहीं है, मैं तुम्हें रिकमेंड करूँगा पॉइंटर्स में लिखो, ChatGPT का यूज़ करो और बढ़िया तरीके से लिखो, ठीक है। ओपन वर्ल्ड FPS गेम इन अनरियल इंजन, मैंने गेम भी बनाया था अनरियल इंजन में, तो ये डिज़ाइन का प्रोजेक्ट था मेरा और थोड़ा सा डिफरेंट भी, कि रिक्रूटर सोचे कि यार ये बंदा तो अनरियल इंजन भी जानता है, ठीक है। तो वो भी मैंने गेम बनाया था, फर्स्ट पर्सन शूटर हमने बना दिया था। तो ये भी लिखो और अपनी लर्निंग्स यहाँ पे लिखो, हर प्रोजेक्ट के नीचे अपनी लर्निंग्स लिखो, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट है मेरा कि क्रोम एक्सटेंशन फॉर यूट्यूब, हमने क्रोम एक्सटेंशन बनाया था। ये वो प्रोजेक्ट है भाई जो मैंने अपने दोस्तों के साथ किया था, और देख रहे हो टीम साइज यहाँ पे 9 दिखा रहे हैं, जिसमें मेरा ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं था, लेकिन थोड़ा बहुत कॉन्ट्रीब्यूशन था डिज़ाइन परस्पेक्टिव में, डिज़ाइन साइड में। तो मुझे अभी सच बताऊँ मेरे को याद नहीं आ रहा है मैं वीडियो में क्या झूठ बोलूँ। तो अपने प्रोजेक्ट इसमें डालो। अब मैं आपको नेक्स्ट चीज़ बताता हूँ जो मैंने आपको पहले भी बताई, कि जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ो, अगर जावा लिखा है तो जावा का प्रोजेक्ट होना ज़रूरी है, पाइथन लिखा है पाइथन का ज़रूरी है। अगर आप SQL वगैरह या किसी भी चीज़ का अगर जॉब डिस्क्रिप्शन में मेंशन है ना भाई कि हमें ये स्किल चाहिए, तो उस पर एक प्रोजेक्ट, उस पर स्किल्स, ये लिखना ज़रूरी है। क्योंकि आजकल जो रिज्यूमे वो देखते हैं ना, ज़रूरी नहीं है कि कोई इंसान है उसके पीछे जो देख रहा है, हो सकता है कि AI का यूज़ कर रहे हैं, वो किसी टेक्नोलॉजी का यूज़ करके रिज्यूमे को फिल्टर कर रहे हैं आपके, और ऐसा होता ही है, ये आप सबको पता है। तो कीवर्ड ज़रूर से यूज़ करो। एक और चीज़ है क्लिकेबल लिंक्स। अब ये बजाओ म्यूज़िक स्ट्रीमिंग ऐप है, मान लो ये मैंने अपना GitHub में भी डाल रखा है, बट यहाँ पे कोई क्लिकेबल लिंक ही नहीं डाल रखा है यार मैंने। अगर मान लो कि कोई रिक्रूटर है, वो इंटरेस्टेड है मेरी प्रोफाइल में, तो वो क्लिक करेगा, वो देखेगा, उसको एक प्रूफ मिलेगा, शायद वो पूरे कोड बेस पे ना जाए, लेकिन वो देखेगा कि भाई इसने यहाँ पे मेंशन किया और इसका GitHub में भी पढ़ा इसके नाम से। तो भाई वो जो क्रेडिबिलिटी है ना, वो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो तुम्हें आगे ले जाएंगे। पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में यार, जैसे कि मैंने लिखा हुआ है वर्कड एज अ प्रोडक्ट सर्विसेज एडवर्टाइजर फॉर सेवरल एडटेक ब्रांड्स, तो मैं काफ़ी सारे ब्रांड्स के साथ मैंने काम करा था, तो मैंने वो यहाँ पे लिख दिया, क्योंकि मेरे पास भी कुछ ज़्यादा था नहीं कॉलेज के अंदर, मैंने ज़्यादा फेस्ट वगैरह में पार्टिसिपेट करा नहीं था, मैं यूट्यूब वगैरह में लगा हुआ था अपना, ट्यूटरिंग एंड मेंटरिंग लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स थ्रू माय अनअकैडमी सेशंस। तो वही मैं अपने बस यूट्यूब वाली चीज़ों को इसमें डाल रहा था कि हाँ मैं एक एजुकेटर भी हूँ, क्योंकि किसी को पढ़ाना इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट। तो मैंने यहाँ पे डाल रहा हुआ है कि आई वर्क एज अ साइंस एंड मैथ्स ट्यूटर, मैं पढ़ाया करता था अपने गैप ईयर में, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं अवार्ड्स एंड अचीवमेंट्स पे। तो मेरे केस में जैसे कि आप देख रहे हो, मैंने यहाँ पे 75K प्लस लिखा, उस टाइम पे मेरे 75K सब्सक्राइबर्स थे, तो मैंने यूट्यूब का लिखा। और जैसे कि मैंने मेंशन किया कि आपको नंबर्स हमेशा मेंशन करने हैं, तो नंबर्स को मैंने वहाँ पे बोल्ड भी किया है, ठीक है। लेकिन सेंटेंस फॉर्मेशन इज नॉट दैट ग्रेट, यू हैव टू यूज़ ChatGPT फॉर दैट। स्पॉन्सर्स के बारे में लिखा है और नंबर लिखा है कि बेसिकली मैं 4 मिलियन स्टूडेंट्स को पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। 4 मिलियन स्टूडेंट्स को मेरी वजह से वैल्यू मिली है उनकी लाइफ में, मेरा फॉलोअर काउंट 1 लाख है सारे उसमें। तो एक क्रेडिबिलिटी के लिए कि ये चीज़ें मैंने अपार्ट फ्रॉम माई अकेडमिक्स आई हैव अचीव्ड ऑल दीज, ठीक है, बस वो पोर्ट्रे करने के लिए मैंने यहाँ पे डाला है। ये भी डाला है कि मैं कौन कौन से ब्रांड्स के साथ काम कर चुका हूँ, क्योंकि एक कंपनी के अंदर जब आप जाते हो, सिर्फ आपको वहाँ पे काम नहीं करना, आपको कम्युनिकेट भी करना है। रोज़ एक स्क्रम कॉल हुआ करेगी जिसमें आपको प्रेजेंट करना है कि आपने कल क्या किया, आज क्या करोगे, और सामने वाले को इम्प्रेस भी करना ज़रूरी है, ठीक है। तो कम्युनिकेशन स्किल्स भी मैटर करती है और इन सब चीज़ों में। और अगर आप किसी नॉन टेक रोल में जा रहे हो ना, तो कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो जो मेरा रिज्यूमे सिलेक्ट हुआ या मैंने इंटरव्यू दिया, मैं सिलेक्ट हुआ, तो उसमें बहुत ज़्यादा रोल है मेरे यूट्यूब का, मेरा जो मैंने एक्स्ट्रा करिकुलर में काम करा, मैंने अकेडमिक्स को थोड़ा साइड हटाया, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही साइड हटा दिया, उसमें भी मेरे को आता था, लेकिन उसके साथ साथ मैंने एक्स्ट्रा चीज़ें भी बहुत ज़्यादा करी, ठीक है। अवार्ड्स एंड अचीवमेंट्स आई होप तुम समझ गए हो, ठीक है। लास्ट में अपने बारे में थोड़ा बहुत बताने के लिए, ये मतलब सच बताऊँ ना, पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, अवार्ड्स एंड अचीवमेंट्स, इंटरेस्ट एंड हॉबीज, ज़्यादा रिक्रूटर को इससे फ़र्क नहीं पड़ता, वो JD के हिसाब वाली चीज़ों पर उसको ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, लेकिन ठीक है, ये चीज़ें डालनी भी ज़रूरी है। तो भाई यही है, दी अबव इन्फॉर्मेशन इज़ करेक्ट टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज ऑब्वियसली, बस एक प्रोजेक्ट है जो थोड़ा फर्जी तरीके से मैंने यहाँ पे डाल लिया था, बट आप लोगों के से क्या ही छुपाए, ठीक है, बता देते हैं। तो ये बात हो गई भाई मेरे रिज्यूमे की। अब मैं आप सबको फाइनल टिप्स देना चाहता हूँ कि आप रिज्यूमे बना रहे हो तो आपको क्या क्या करना है। इस रिज्यूमे के बाद मेरा इंटरव्यू मैंने क्रैक कर लिया था, इसके बाद ही मेरा सिलेक्शन हुआ था एक्सेंचर में एज अ कंसल्टेंट। अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, दैट आई एम वर्किंग एज एन एसोसिएट कंसल्टेंट एट एक्सेंचर। तो रिज्यूमे बनाने के बाद सबसे पहले किसी एक्सपीरियंस्ड बंदे के पास जाओ, वो जरूरी नहीं है कोई यूट्यूबर ही हो, कोई आपका कोई बड़ा भाई है, कोई आपके दोस्त का भाई है जो
किसी टेक कंपनी में काम कर रहे हैं जहां पे जिसके लिए आपने रिज्यूमे बनाया, ठीक है, आप उसको अपना रिज्यूमे दिखाओ और अपना रिज्यूमे रिव्यू करवाओ, ठीक है, पहला पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट है, जैसे कि मैंने बहुत बार बताया कि आपके रिज्यूमे स्कैन होते हैं या सॉफ्टवेयर वगैरह से, ऐसे होते हैं सॉफ्टवेयर, ठीक है, तो अपने कीवर्ड्स वगैरह वहां पे डालो, अपने प्रोजेक्ट्स वगैरह जेडी जॉब डिस्क्रिप्शन के हिसाब से ही डालो। थर्ड है पॉइंटर्स का यूज करो, कोई भी चीज लिख रहे हो, अगर आप अपने प्रोजेक्ट के बारे में लिख रहे हो तो पॉइंटर्स में अपनी लर्निंग्स लिखो, पॉइंटर्स बहुत ज्यादा जरूरी है। फॉन्ट साइज, फॉन्ट ये सेम रहना चाहिए थ्रू आउट तुम्हारे पूरे रिज्यूमे में, कि अगर आपकी हेडिंग है तो उसकी एक ही, हर हेडिंग का एक ही फॉन्ट साइज होना चाहिए। फोर्थ है भाई इंपॉर्टेंट चीजों को बोल्ड कर दो, जैसे कि मैंने भी यहाँ पे कुछ नंबर्स को करा था, प्रोजेक्ट्स को करा था, या जो भी है वो बोल्ड कर लो। फिफ्थ है काफी बेसिक सा पॉइंट, पीडीएफ फॉर्मेट में ही अपना रिज्यूमे किसी को दो और नेमिंग कन्वेंशन फॉलो करो, और हर कंपनी के लिए अलग रिज्यूमे बनाओ। मैं स्टार्टिंग में ना एक ही रिज्यूमे हर कंपनी में चेप देता था, बाद में मुझे समझ आया कि नहीं यार ऐसा नहीं हो सकता है, फिर मैंने जब से स्टार्ट करा ना, मैंने कि हर कंपनी के हिसाब से उनका जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ने के बाद मैं रिज्यूमे में थोड़े से चेंजेस करता था और फिर वो सबमिट करता था, उसके बाद तुम्हारे सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि भाई ग्रामर चैट जीपीटी का यूज करो, ग्रामर हो गई तुम्हारी, ये सारी चीजें एकदम बढ़िया होनी चाहिए, ये बहुत बड़ा टर्न ऑफ होता है। फोटो आपकी प्रोफेशनल होनी चाहिए, क्लोजअप होना चाहिए, ऐसा नहीं कि हाथ में ड्रिंक लेके हो, बड़ी प्रोफेशनल सी फोटो होनी चाहिए, ड्रिंक्स वगैरह कुछ नहीं, एकदम कैमरे को फेस कर रहे हो या थोड़ा एकदम बढ़िया सा कोई क्लासी सा एंगल है, लेकिन फोटो थोड़ी अच्छी लगाओ। लास्ट है कि अपने रिज्यूमे को एक पेज का बनाओ अगर बन सकता है। ये तो चलो हमारा एक फॉर्मेट था जो हमें हमारे कॉलेज ने दिया था, लेकिन अब इतने बढ़िया बढ़िया टेम्पलेट्स आते हैं कि आप एक पेज के अंदर सब कुछ इंक्लूड कर सकते हो, कुछ फालतू इन्फॉर्मेशन मत डालो। बाकी भाई ये था मेरा रिज्यूमे, मैंने अपनी सीजीपी भी बता दी, अपनी गलतियां भी बता दी, कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो ठस्से में इसमें डाले हुए हैं वो भी बता दिए। आई होप तुम्हें वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ऐसे वीडियोस मैं बनाता रहता हूँ, मेरे प्लेसमेंट के बहुत सारे वीडियोस मेरे चैनल पे ऑलरेडी पड़े हुए हैं। अब मिलता हूँ मैं आपको ऐसी किसी और स्पेशल वीडियो में, टिल देन बाय बाय।